नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और ये यूट्यूबर के लिए खास करके वीडियो है। गैस अगर आप एक यूट्यूबर हो तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो में, जिससे आपको यूट्यूब करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गैस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गाइस, जिसमें मैंने बताया था योगी जी सर ने जो कहा है आपके वॉच टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे। आज का ये टॉपिक आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम 2020 में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस काफ़ी एजुकेटेड क्वेश्चन है, यानी कैसे काफ़ी मोटिवेशन क्वेश्चन है। गाइस आपके लाइफ में अगर आप यूट्यूब करियर में या यूट्यूब फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट हो सकती है, या क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है कि हाउ टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो जल्द से जल्द, और अच्छा खासा अपना चैनल ग्रो करके मोनेटाइज करके आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि योगी सर ने बताया कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर काउंट नहीं होंगे। तो गाइस किस तरीके से काउंट नहीं होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यूट्यूब पे पहले होता था गाइस कि पहले 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करना थोड़ा आसान था। उसमें गाइस बहुत सारे यूट्यूबर करते क्या थे कि आपने एक नया चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद गाइस वहाँ पे गूगल एडवर्ड एक वीडियो प्रमोशन आपको ऑप्शन मिलता था यूट्यूब की तरफ से। तो गाइस वहाँ पे आपको प्रमोशन का ऑप्शन मिलता था जहाँ पे आप अपने पैसे लगाते थे और अपनी वीडियो को एडवर्ड पे लगा के रैंक करा लेते थे, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ ले आते थे और उसके कारण आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब आपके वॉच टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे, जो आपके ऑर्गेनिक व्यूज़ से वॉच टाइम आते हैं, जो आपका रियल सब्सक्राइबर और रियल व्यूवर्स आते हैं उसी का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन किया जाएगा माना जाएगा। तो गाइज ऐसे सिचुएशन में अब आपको सब्सक्राइबर तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन गाइज आपको वॉच टाइम वो आपका काउंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग पहले करते क्या थे कि गाइज अपना चैनल बनाया, वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दिए, वीडियो प्रमोट ऑप्शन पे गए और अपनी वीडियो को प्रमोशन पे लगा दिया और अच्छे खासे ट्रैफिक अपने चैनल पे लिया है। गाइज उनका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर भी आराम से कंप्लीट हो जाता था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में यूट्यूब का लीगल एक्शन जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम अब आपका ऑर्गेनिक ही कंप्लीट होगा। अब गाइज इसमें बात आती है कि भाई अगर हमारी वीडियो को काउंट नहीं किया जाएगा तो इस ऑप्शन को दिया ही क्यों जाता है। तो गाइस इस ऑप्शन को इसलिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड में कोई बिजनेस चल रहा है, मैं कोई बिजनेस मैन हूँ बड़ा सा और मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इस बात को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ, यानी अपने जो बिजनेस को है काफ़ी ग्रो करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात बहुत दूर तक पहुँचे और जिसमें मेरा कोई साधन नहीं है, यूट्यूब चैनल पर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ऐसे सिचुएशन में मैं अपनी बात दूसरे तक कहाँ कैसे पहुँचाऊँ। तो गाइस ये जो वीडियो प्रमोटिंग का जो ऑप्शन है ये इसी से रिलेटेड है कि आप अपनी बातों को यहां से वहां तक पहुंचा पाओ, यानी ज्यादा सब्सक्राइबर या कह सकते हैं ज्यादा ऑडियंस के बीच में आप अपनी बातों को पहुंचा सको। तो गाइस ये उसी के लिए होता था, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है तो इस वीडियो में मैं अपने बिजनेस के बारे में बात करूंगा, बिजनेस डील के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो से मुझे मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैं इस वीडियो से पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, इससे मुझे मतलब नहीं है। बस मेरे को मतलब है इस वीडियो से कि मैं अपना बैकग्राउंड का जो बिजनेस है उसको प्रमोट करने की। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको ये ऑप्शन मिलता है गूगल प्रमोशन का, जो गूगल में अपनी वीडियो को प्रमोट करते हो तो गाइज वहां गूगल एडवर्ड पे आप अपनी वीडियो को प्रमोट करके अपने बैकग्राउंड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन गाइज इसका वॉच टाइम आपका रियल में काउंट नहीं होता है। तो ये गाइज ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो गाइज अब बात आती है भैया कि हम 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करें। तो गाइज इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वीडियोस बनाते रहिए गाइज, आपको कोई भी ये सॉल्यूशन नहीं बताएगा, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए गाइज, कंसिस्टेंसी आप बनाइए अपनी वीडियो में कि भाई आप मुझे इतने टाइम पे वीडियोस अपलोड करनी है, जो आपका रेगुलर रूल होता है गाइज। ये जरूरी नहीं है कि आप डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड करो तो आपको बढ़िया ही होगा। गाइज आप वीक में एक वीडियो अपलोड करो लेकिन कंटेंट एक ऐसा जेन्युइन कंटेंट दो जिससे सामने वाले पर्सन को आप पे ट्रस्ट हो और वो समझे कि हाँ भाई हफ्ते में भले ही वीकली वीडियोस डालता हो लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। गाइज अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हो तो आपका कंटेंट में दम होगा तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा रैंक करेगी। कंसिस्टेंसी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है गाइज आपके व्यूज बढ़ाने के लिए और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर पाने के लिए। गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप कंटिन्यू वीडियोस डालते हो, जो आप कंसिस्टेंसी बनाते हो, आप जो भी हो रेगुलरली कह सकते हैं गाइज, अगर मान लीजिए वीक का कंसिस्टेंसी बनाया है आपने तो वीक में हमेशा आपको एक वीडियो अगर आप अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो तो ये आपका कंसिस्टेंसी
ही हो गया जो आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो उस हिसाब से। गाइस अगर आप इस हिसाब से करते हो, आप वीडियोस डालते रहिए, आपको सब्सक्राइबर की टेंशन नहीं लेनी है, ये सोच के नहीं चलना कि मेरे सब्सक्राइबर इतने होंगे उतने होंगे, आपका ऑफकोर्सली आपका सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएगा, वॉच टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और गाइस ऑर्गेनिक व्यूज जो आएंगे उसी से आपका चैनल मोनेटाइज होगा, क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।